गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले गो तस्करी में वांछित एक अभियुक्त जुल्फिकार को चिलवाताल थाने के पुलिस व एसओजी टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। पिकअप चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त इरशाद अहमद को 48 घंटे के भीतर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिकअप व गत्ता किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, अंत्योदय कार्ड धारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित लाभार्थियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। पिता के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त धनंजय चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ट्रॉली किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों के द्वारा दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं रोशन। पल्स पोलियो अभियान का सीडीओ संजय कुमार मीणा एवं एडी हेल्थ डॉक्टर आई बी विश्वकर्मा ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को अवश्य पिलाए पोलियो की दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, जितनी भी बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए प्रतिबद्ध है देश व प्रदेश की सरकार। महिला जिला अस्पताल में स्थापित कोल्ड चेन प्वाइंट का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। कहा, दवाओं और वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कोल्ड चेन प्वाइंट। से 20 सितंबर तक होने वाले प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्व महापौर सत्या पांडे ने किया शुभारंभ। कहा, नारी शक्ति बढ़े आगे, सफलता है आपके साथ। और जनपद में पुत्रों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा विधि विधान से जीतिया का निर्जल व्रत। बरियार का पूजा करके माताओं ने अपने पुत्रों के लंबी उम्र की कामना। अब खबरें विस्तार से। चिलवाताल थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले गो तस्करी में वांछित एक अभियुक्त को पुलिस मतभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि गौ तस्करी में वांछित व फरार चल रहे अभियुक्तों की चेकिंग की जा रही थी, तभी 17 सितंबर को पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर अपने साथियों के साथ भाग रहे शातिर गौ तस्कर व हिस्ट्री शीटर थाना कुबेर स्थान जुल्फिकार पुत्र शुक्रुल्लाह निवासी सेमरा हरदो टोला कचनार थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर जो अंतर जनपदीय अपराधी है, जिसके विरुद्ध करीब दर्जन भर मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसके पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अभियुक्त कुछ दिन पहले गुलेरिया थाना क्षेत्र में भी गौ तस्करी की घटना करते हुए पुलिस पर जानलेवा हमला करने में शामिल था, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिलवाताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अमित राय, उपनिरीक्षक अम्बरीश बहादुर, आशिफ परवेश, कांस्टेबल संदीप कुमार, शैलेश कुमार, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल, अरुण खरवार, मोहसिन खान, कांस्टेबल इंद्रेश कुमार वर्मा, करुणापति तिवारी, रणवीर प्रताप सिंह, रवि चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आदे आदे।
इसमें रखा है ये कहाँ रखा है आपके पास खत्म हो गया तो वही गड़ी में है जाओ वो क्या हुआ जो लगा वो तो निकल गया था सर ये जो मैंने आपको तो इधर साइड से आया हम लोग पीछे से आ रहे थे यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया चल गया उसके बाद तत्काल फायर किया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के निर्देशन में अपराधियों के रोकथाम के लिए आज चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान मोहरीपुर तिराहे पर थाना चिलुआताल व स्वाट टीम के प्रभारियों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। वहीं पर एक अपाचे मोटरसाइकिल पे तीन व्यक्ति सवार आए और रोकने पर गाड़ी लेकर भागे। उन्हीं का पीछा करते हुए ये लोग रामपुर चक बंधे तक गए। वहां अचानक उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस के गिर गई, जिससे एक अपराधी रुका रहा, बाकी दो अपराधी भाग गए। एक अपराधी ने पुलिस पर जानलेवा फायर किया, जिसके लिए आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इससे उक्त अपराधी के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जुल्फिकार बताया और जानकारी करने पर पता चला कि उसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। उसने ये भी स्वीकार किया कि वो गुलेरिया थाने में जो पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी उसमें वो सम्मिलित था। इस प्रकार उपचार हेतु उसको तत्काल मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष फरार दो अभियुक्तों की तलाश व कामबिंग जारी है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने पिकअप चोरी करने वाले अभियुक्त को 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इरशाद अहमद पुत्र भोलू निवासी दुबरा रसूलपुर थाना बरदहा जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की पिकअप गाड़ी गत्ते के साथ बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि यह पिकअप 2 दिन पहले चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक बबलू कुमार, ओम प्रकाश बिंद, कांस्टेबल सुरेंद्र वर्मा, मुन्ना यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना रामगढ़ ताल पुलिस द्वारा अभी से 48 घंटे पहले चोरी हुई एक मैक्स पिकअप को आजमगढ़ से बरामद कर लिया गया है। इस टीम में सब इंस्पेक्टर बबलू कुमार एवं उनके अन्य साथियों द्वारा यहां से आजमगढ़ तक के सारे कैमरे ट्रेस करते हुए उस पिकअप को 48 घंटे के अंदर अंदर बरामद किया। उसके साथ ही जो उस पिकअप का ड्राइवर, जो कि लालच में आकर उस पिकअप में जो सामान था उसको बेचना चाहता था और पिकअप को भी बिहार में बेचना चाहता था। इस तरह के जो मार्केट हैं बिहार में भी ट्रेस किए जा रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे बेचना चाहता था।
ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम इरशाद अहमद और भोलू है। और अभी तक की इस कार्रवाई के अंदर जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि सीसीटीवी का रोल, जिससे तुरंत ये पता चला कि कौन व्यक्ति इसको एक्चुअली पिकअप को यहाँ से लेके गया है। और जब वो फोटो क्लियर हुआ उसके बाद में जानकारी हुई, उसके बाद में सर्विलांस के आधार पर भी इसमें बखूबी उपयोग कर ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। नहीं, ये एक्चुअली इस पिकअप का ड्राइवर था और इसका पूर्व में ऐसा कोई आपराधिक इतिहास अभी तक प्रकाश में नहीं आया। इसके लिए यहाँ से आजमगढ़ तक करीबन 15 जगह पे सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाला गया है, तब जाके ट्रेस हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि जितने अंत्योदय कार्ड धारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित लाभार्थी हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। इस अभियान के अंतर्गत 1127 पंचायत सहायक हैं जिनकी आईडी बनी हुई है, उस आईडी के माध्यम से उनको गांव-गांव में जाकर जितने भी आयुष्मान से लाभार्थी छूटे हुए हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, ताकि अधिक से अधिक जनता को आयुष्मान कार्ड से लाभान्वित भी कर सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से लाभार्थी को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। जितने भी आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और जो पंचायत सहायक हैं वह ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने में रुचि लें। उन्होंने कहा कि जितने भी पंचायत सहायक हैं उनको प्रति कार्ड 5 रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, शासन द्वारा एक 15 दिवस का आयुष्मान पखवाड़ा एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें जितने भी हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो 2011 की सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जिनका नाम था, या जो अंत्योदय कार्ड जिनके पास है, उनका हम गोल्डन कार्ड या आयुष्मान कार्ड बनवाना है। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने जितने हमारे पंचायत सहायक हैं, लगभग 1127 पंचायत सहायक हैं जिनकी आईडी बनी हुई है, उस आईडी के माध्यम से उनको गांव-गांव जाकर जिस ग्राम पंचायत में वो तैनात हैं उस गांव में जितने भी लाभार्थी हमारे छूट गए हैं, चाहे वो 2011 की सूची में नाम हो या उनके पास हमारा अंत्योदय कार्ड हो, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाना है, ताकि अधिक से अधिक जनता को हम इसे लाभान्वित कर सकें। और इसमें जैसे आप सभी जानते हैं कि 5 लाख तक का इलाज जो है व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट जो इम्पैनल हॉस्पिटल है उनके माध्यम से मिल जाता है। तो आप लोगों से भी ये अपील रहेगी और गोरखपुर के सभी देश जो हमारी जनता है जो इस योजना से अभी भी छूटी हुई है, कि आप अपने पंचायत सहायक के माध्यम से इस योजना का लाभ उठाते हुए गोल्डन कार्ड अवश्य बनवाएं। ये अभी कैंप पूर्व में कई लगाए गए लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला, इसलिए अभियान के तौर पर ये किया जा रहा है कि जितने भी हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे आशा है, एएनएम है, आंगनवाड़ी है और जो हमारे पंचायत सहायक हैं, वो इस अभियान में रुचि लें और जितने हमारे लाभार्थी छूट गए हैं उन सभी को जागरूक करते हुए, उन सभी को बताते हुए और गांव में ही उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, ताकि उन्हें कहीं पर भी, चाहे जिला अस्पताल हो चाहे CAC हो, वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसके लिए जो हमारे पंचायत सहायक हैं उनको प्रति कार्ड 5 रुपये का अनुदान भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने पिता के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धनंजय चौहान पुत्र लालजी चौहान निवासी चक्की मूसा जोही थाना मधुबन जनपद मऊ के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की ट्रॉली को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 सितंबर को थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर स्थित केनरा बैंक तारामंडल के पास से एक ईंट लदा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिसके क्रम में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा संबंधित रास्तों के सीसीटीवी फुटेज का गहनता से जांच करते हुए अभियुक्त लालजी चौहान पुत्र रामदीन चौहान निवासी चक्की मूसा जीहा थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चोरी किए गए ट्रैक्टर एवं 500 ईंट के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन ट्रॉली नहीं मिली थी, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक राज कपूर, विजय कुमार गौड़, हेड कांस्टेबल ऋषि मुनि, कांस्टेबल संजीव गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, नहीं,
मेरा कुछ सांस नहीं आ रहा। यहाँ जाले का इफेक्ट नहीं, वो ही है, वो ही है, वो ही है, इटा भी है, इटा है। काम सुना है नहीं? काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। गोरखपुर में 12 एवं 13 सितंबर की रात को 2:20 पर एक ट्रैक्टर ट्रोली की चोरी की सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर विजय गौड़ एवं राज कपूर सब इंस्पेक्टर्स की अध्यक्षता में दो टीमें गठित की गई थी। दोनों टीमों द्वारा 36 जगहों पर कैमरे खंगाल कर 2 दिवस के अंदर अंदर ट्रैक्टर जो चोरी किया गया था उसको बरामद किया गया था। जिसके घर में ट्रैक्टर था उसको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ट्रॉली की बरामदगी नहीं हो पाई थी एवं जो मुख्य अभियुक्त जो ट्रैक्टर को यहाँ से चोरी करके ले गया था वो नहीं गिरफ्तार हुआ था। लेकिन उसी अनुक्रम में दोनों टीमें कार्यरत थी एवं इसको कल गाजीपुर जनपद से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो चालक है इसका नाम धनंजय चौहान, इसके पिताजी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। धनंजय चौहान जिसके ऊपर पूर्व में भी जनपद मऊ से ट्रैक्टर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं एवं ये एक शातिर चोर है। इसके द्वारा पुलिस को जानकारी मिली कि पूर्व में भी इसने ये ट्रैक्टर को ले जाकर ट्रैक्टर बेच देता था और ये भी ट्रैक्टर बेचने की फिराक में ही था। और इसने ट्रॉली को जनपद गोरखपुर के थाना बेलीपार के अंदर छुपा रखा था और ट्रॉली को भी बरामद कर लिया गया है पुलिस द्वारा। सीसीटीवी कैमरा अगर उच्च क्वालिटी का हो, हाई डेफिनेशन हो और उसके साथ में अगर रात्रि काल में भी अगर किसी भी घटना को ट्रेस कर पाए तो मुझे लगता है वो पुलिस के लिए एक उस तरह के पुलिसमैन की तरह काम करता है जो व्यक्ति 24 घंटे मुस्तैद है और बिना पलक झपके वो ड्यूटी करने वाले व्यक्ति के समान है। तो पुलिस के लिए और स्पेशली अब रिसेंट टाइम्स के अंदर जितने भी चोरी के खुलासे हुए हैं, जो स्पेशली टीमें यहाँ से कई बार यहाँ से नागालैंड तक गई हैं और चोरों को ट्रेस करके लाई है, उसका एक ही माध्यम रहा है कि उन्होंने सीसीटीवी हर जगह खंगालते हुए गए। तो अभी पीछे रिसेंट के पिछले 5-7 दिन में शहर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के माध्यम से भी सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ी है और उसी संख्या के दृष्टिगत रखते हुए शहर के अंदर जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन सब पे कैमरे लगाए गए हैं और वो काफ़ी घटनाओं के खुलासे में कारगर साबित हो रहे हैं।
रामगढ़ ताल नौका विहार स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन व्यक्तित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने अवलोकन किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उनकी बचपन से लेकर और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर किस प्रकार से उन्होंने काम किया, उन सभी चित्रों को लगाया गया है। आज वह प्रधान सेवक के रूप में भारत के मस्तक को दुनिया में ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महामंत्री अच्युतानंद शाही देवी श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक शशिकांत सिंह, ब्रजेश मिश्रा, रणविजय शाही, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, गौरव तिवारी, अनुपमा पांडे सहित महानगर के समस्त पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, थोड़ा सा जगह आप लोग दे दीजिएगा, जगह बना दीजिए थोड़ा फर्टिलाइजर मैदान जी। और एक देश मोदी जी बचपन में देवेश बाबू इधर आइए, आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ये आप लोगों को आगे पूरा जानकारी भी है। देखिए मेडिकल कॉलेज का कितने वैश्विक मान्यता बहुत बड़ा है, अरे आप बचाने के लिए है ना, जगह चेंज होता है, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में गुजरात में बहुत बहुत बड़ी मैंने अहमियत रखती है, प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करें, कैसा लग रहा है? कल 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी जी के जयंती तक हम विभिन्न प्रकार के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम सम्पन्न किया है और आज मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रदर्शनी जो हर जगह लगी है उसी का शुभारंभ कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर भी गोरखपुर महानगर में सरकार और संगठन के सहयोग से एक प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है जिसका अवलोकन हम सब कर रहे हैं। मोदी जी के बचपन से लेकर के और अभी तक के उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में एक प्रमुख चित्रों के माध्यम से प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया गया है, उसका अवलोकन हम सब कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जीवन? देखिए मोदी जी का जीवन यही एक अन्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर है। अन्य पार्टी परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर चलती है, मोदी जी से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि एक सामान्य कार्यकर्ता से, एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति भी
अगर देश के प्रति समर्पण है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, तो सर्वोच्च कुर्सी पर, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर भी जा सकते हैं। और मोदी जी ने उसको जो देश के में सैकड़ों वर्षों से लोग अपेक्षा किए थे, जिन आकांक्षाओं को पूरा करने का सपना इस देश के शहीदों ने, इस देश के लोगों ने सोचा था, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की 5-5 पीढ़ियों ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम सच में अंत्योदय का सपना, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको आवास मिल जाए, उसको शौचालय मिल जाए, उसको छोटी छोटी चीज़ें मिल जाए, ये सब काम पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो 1953 से लेकर के भारतीय जनसंघ और इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को भी ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिलनी चाहिए, इस देश में तमाम इस प्रकार की समस्याएं थी, उनको समाधान करने का काम चाहे वैश्विक स्तर पर भारत के सम्मान को, भारत के मान को बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं, मोदी जी का कल जन्मदिवस था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश भर का आम नागरिक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मोदी जी दीर्घायु हों और लंबे समय तक इस देश को उनका नेतृत्व मिलता रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले गो तस्करी में वांछित एक अभियुक्त जुल्फीकार को चिलवाताल थाने के पुलिस व एसओजी टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। पिकअप चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त इरशाद अहमद को 48 घंटे के भीतर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिकअप व गत्ता किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, अंत्योदय कार्ड धारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित लाभार्थियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। पिता के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त धनंजय चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ट्रॉली किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों के द्वारा दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं रोशन। पल्स पोलियो अभियान का सीडीओ संजय कुमार मीणा एवं एडी हेल्थ डॉक्टर आईबी विश्वकर्मा ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को अवश्य पिलाए पोलियो की दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, जितनी भी बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए प्रतिबद्ध है देश व प्रदेश की सरकार। महिला जिला अस्पताल में स्थापित कोल्ड चेन पॉइंट का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। कहा, दवाओं और वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कोल्ड चेन पॉइंट। से 20 सितंबर तक होने वाले प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्व महापौर सत्या पांडे ने किया शुभारंभ। कहा, नारी शक्ति बढ़े आगे, सफलता है आपके साथ। और जनपद में पुत्रों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा विधि विधान से जीतिया का निर्जल व्रत। बरियार का पूजा करके माताओं ने अपने पुत्रों के लंबी उम्र की कामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पल्स पोलियो अभियान का महिला जिला अस्पताल में सीडीओ संजय कुमार मीना ने फीता काटकर एवं बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि पल्स पोलियो की दवा सुरक्षित है और असरदार है। इसके प्रति मिथक और भ्रांतियों के कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का उन्मूलन नहीं हो सका, जबकि भारत में पोलियो उन्मूलन संभव हो गया। पड़ोसी देशों में पोलियो के वायरस मौजूद है, इसलिए एहतियातन भारत के भी नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से पूर्ण प्रतिरक्षित किया जाना अनिवार्य है तथा प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को पत्र भी भेजे गए हैं कि सभी स्कूलों में बूथ दिवस पर रैलियां निकाली जाएं तथा राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग, पंचायती राज विभाग और नगर निकाय से जुड़े लोगों से परिवार को प्रेषित कर उनके बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाने के लिए निर्देशित भी किया गया है। वहीं एडी आरबी विश्वकर्मा ने बताया कि 19 सितंबर से 23 सितंबर तक घर घर जाकर नवजात से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने सभी जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने शिशु को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं और अपने बच्चों को पोलियो से मुक्त रखें। इस अवसर पर सीएमओ डॉ. आशुतोष कुमार दुबे, एडिशनल सीएमओ डॉ. नंदलाल कुशवाहा, डिप्टी सीएमओ डॉ. ए.के. सिंह, डॉ. जय कुमार, ARO अजीत सिंह, नवीन गुप्ता, संदीप श्रीवास्तव, नंदलाल सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडी हेल्थ डॉक्टर IB विश्वकर्मा एवं CDO संजय कुमार मीना ने कहा। आज जो है पल्स पोलियो अभियान हमारा शुरू हुआ है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। आज जो है बूथ डे है, इसके बाद कल से 5 दिन तक जो है घर घर बच्चों को जो छूटे हुए हैं पूरे घर घर भ्रमण करके पिलाई जाएगी और पूरे जितने 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको सबको कवर किया जाएगा। उसके बाद यदि जो भी बच्चे छूटे रहते हैं उसके बाद संडे को जो है बी टीम चलाई जाएगी, जो बच्चे हमारे रह जाते हैं या कहीं नानी के यहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उनको जो बी टीम में 100% जो है सारे बच्चों को कवर किया जाएगा। ये पूरे अभियान में हमारे पूरे सभी 0 से 5 साल के बच्चों को कवर किया जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे? हम सबसे यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमारा लास्ट के 2011 में कलकत्ता निकला था, तब से पोलियो जो है हमारे जो है देश में नहीं है, लेकिन
यदि कोई बच्चा अगर दवा से वंचित रहता है पोलियो खुराक से, उसके अंदर इम्यूनिटी कम रहेगी, तो खुदा ना खास्ता जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में केसेस हैं वहाँ से अगर आ गए तो बच्चा निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमारी सबसे यही अपील है कि अपने सभी 0 से 5 साल के बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएँ और अपने बच्चे को पोलियो से मुक्त रखें। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पोलियो एक ऐसी महामारी है, अगर हम लोग शुरुआत में ही वैक्सीन दिला दें तो आगे चलकर इससे बचा जा सकता है। तो इसी के उपलक्ष्य में आज पल्स पोलियो अभियान का शुरुआत जिला महिला अस्पताल से किया गया, जहां पर जो भी नवजात शिशु हैं और जो बच्चे जिनको पोलियो की खुराक नहीं मिली थी उनको पोलियो की जो हम बोलते हैं 2 बूंद जिंदगी की वो पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। और आप सभी के माध्यम से पूरी गोरखपुर की जनता से ये अपील रहेगी कि जिन जिन बच्चों को अभी तक पोलियो की खुराक नहीं मिली है वो आगे बढ़कर अपने बच्चों को पोलियो की खुराक इस अभियान के तहत जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले पखवाड़ा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह द्वारा फीता काटकर एवं शिशुओं को पोलियो का ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन एवं महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी क्रम में बसंतपुर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीज आकर अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जितनी भी बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार जो भी सुविधा दे रही है उस सुविधा का लोग लाभ लें और रोगों से मुक्ति पाएं। इस अवसर पर अशोक गुप्ता, शिवम पांडे, अनुपम पांडे, गौरव तिवारी, सूर्य प्रकाश शर्मा, आनंद अग्रहरी, अजय मणि त्रिपाठी, अस्तभुजा श्रीवास्तव, रुपेश गुप्ता, चंद्रपाल सिंह, छोटेलाल पासवान, रामनारायण, अजय जायसवाल, विशाल गुप्ता सहित अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसंतपुर नगरी स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, देखो मीठा है, देखो मीठा है, देखो कैसा लगेगा। हाँ, दो बेकार कर दो। हल्का सा बड़ा बड़े बड़े जगहों पर हर जगह आएगा, यहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ भी बहुत उपयोगी है, लोग दिन भर घूमते हैं इधर उधर, 3 मिनट के अंदर 65,000 की जाँच, बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने की है। प्रयास है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उसको ले जाए। वहाँ चरगांव से उन्होंने प्रारंभ किया, पिछली बार आए थे तो जल्द देखिए हम मैं डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज हमारे वहाँ पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय क्षेत्रीय धर्मेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने आते वक्त यहाँ पे कई सारे बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाया। इसके साथ साथ हमारे पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देखा उन्होंने, जिसकी काफ़ी सराहना भी की, तो हमें अच्छा लगा। इसके साथ साथ उन्होंने हमें ये भी कहा है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधा हम लोग दे सकते हैं वो भी दें, और साथ साथ ये भी बोला है कि यहाँ पे इस समय हेल्थ एटीएम के लिए वो इस अस्पताल को चुनेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेस मिल सके। हमारी सारी टीम अभी इस समय एरिया में कार्य कर रही है और यहाँ पर योगी जी के आरोग्य मेले के अकॉर्डिंग आज यहाँ पर लोगों का परीक्षण चल रहा है। बहुत से लोग टाइम से बच्चों को पोलियो नहीं पिलाने के लिए
देखिए हमारे तरफ से पूरी कोशिश है, हमने आशाओं को एक दो दिन पहले से ही अपने एरिया में बोल दिया है सर्वे करने के लिए। तो ऐसा इस बार ऐसा बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि पोलियो पिलाने से उनको दूसरी बीमारी हो सकती है ओपीवी से वैक्सीन से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम घर घर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ओपीवी वैक्सीन देगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर पूज्य महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह चिकित्सा शिविर, स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। उसी क्रम में गोरखपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ जो चिकित्सा शिविर आयोजित है वहाँ हम सब लोग आए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जो मरीज हैं वो आकर के अपनी जांच निःशुल्क करा रहे हैं। और ऐसे गोरखपुर महानगर में लगभग 27 स्थानों पर गोरखपुर महानगर में इस प्रकार के चिकित्सा शिविर का आयोजन आज किया गया है। सभी जगहों पर कहीं कोई न कोई जनप्रतिनिधि, कोई न कोई पार्टी का कार्यकर्ता जा करके सरकार और संगठन मिलकर के किस प्रकार से आम जनता की सेवा हो सके, आम जनता को सुविधाएं मिल सके, सरकार की जो मंशा है वो नीचे तक उतर सके, इसके लिए इस प्रकार के आयोजन किए गए हैं। बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा है कि इस प्रकार के जो भी, चाहे पोलियो लगभग समाप्त ही हो गया है, इस प्रकार की जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सभी प्रकार की सुविधाएं अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर दे रही है। लोग आकर के उन सुविधाओं का लाभ लें और जड़ से इस प्रकार के रोगों से मुक्ति पाएं। महिला जिला अस्पताल में स्थापित कोल्ड चेन पॉइंट का CDO संजय कुमार मीना ने निरीक्षण किया, जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि दवाओं और वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए कोल्ड चेन पॉइंट बनाया गया है, जिसका तापमान 2 से 8 डिग्री में मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं सभी उपलब्ध हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए जैसे ही बिजली जाती है टेम्परेचर का अलार्म बजने लगता है, जिसको देखते हुए तत्काल जनरेटर चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन आम जनमानस को लगाई जाए वह गुणवत्तापूर्ण हो, जिसे बीमारी से सुरक्षित रखने में सफल बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जुड़ा होता है। अगर इसका टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा इनके पास बीप की साउंड आना शुरू हो जाएगा कि आप जनरेटर चल रही है, जिससे इसलिए जब फील्ड में जाती है तो उसको वैक्सीन को समय चल रही है। तुरंत इतनी देर में बढ़ गया होगा सर? सर ये हमारी साथ
डेली हम लोग जो है 10 से 15 जाएंगे। सर हमारा जो है प्रोड्यूस में सर हम आज जो है 28% हमारी रेंज सर 26-27 तो स्ट्रीट एड्रेस सर जो है 8.7। कल से हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल हम लोगों ने रक्तदान शिविर का सेवा सप्ताह से शुभारंभ किया है और ये हमारा जो है 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। कल हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, आज जो है हेल्थ कैंप्स के आयोजन कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में आज से जो है हमारा राशि पल्स पोलियो अभियान महाअभियान शुरू किया गया है और उसके तहत जो है जनपद में हमारे यहाँ लगभग 6,77,000 बच्चे जो हैं पोलियो की दवा पिएंगे, लगभग 8,000 घरों में पिएंगे और इसके लिए हमारी लगभग 2,000 टीमें बनाई गई हैं और 5,000 कार्यकर्ता हमारे इसमें फील्ड में हैं और आज जो है हम बूथ पर पिलाएंगे, कल से हमारे जो हैं घर घर जा कर के बच्चे पिएंगे। मॉनिटरिंग टीम लगी हुई है, WHO और UNDP और यूनिसेफ के लोग जो है इसको कंटिन्यूस इस पर निगरानी कर रहे हैं और दवाओं की गुणवत्ता को वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा, इसका तापमान जो है 2 से 8 डिग्री के बीच में हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं वो सब उपलब्ध हैं और जैसे ही बिजली जाती है और जैसे ही टेम्परेचर का अलार्म बजता है तुरंत तत्काल जो है जनरेटर चला दिया जाता है। हम लोगों का प्रयास ये होता है कि जो पब्लिक को आमजन को जो वैक्सीन लगाई जाए वो वैक्सीन गुणवत्तापूर्ण हो और जिससे कि वो बीमारी को सुरक्षित रखने में बच्चों में सफल रहे। और इसी के साथ साथ जो है आज हमारे यहाँ मेले का स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है जिसमें जो है आदरणीय मोदी जी के शुभेच्छु लोग जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और उनके द्वारा जो है मेले में सहयोग किया जा रहा है। हमारे जनपद में सभी जगह मेले प्रारंभ हो गए हैं, जगह जगह उसका उद्घाटन और उसका जो है भव्य कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शाम तक जो है हम लोग काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के तत्वाधान में क्षेत्रीय खेल द्वारा आयोजित होने वाले 18 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे के द्वारा किया गया, जिनका स्वागत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बुके एवं अंगवस्त्र देकर किया, जिसके संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न मंडलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। इन सभी टीमों को उज्जवल भविष्य की कामना किया। उन्होंने कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने में ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति आगे बढ़े, सफलता आपके साथ है। गोरखपुर मंडल से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आली हैदर, डॉक्टर राजेश यादव, डॉक्टर तिलोक रंजन, कर्नल वेद प्रकाश दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डॉक्टर सत्यापांडे स्टेडियम के काम के लिए हमेशा आप तत्पर रही हैं, कोई भी उनको मध्य पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस अनुरोध करूंगा आज की मुख्य अतिथि कार्यालय उत्तर प्रदेश एवं क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर के तत्वाधान में आयोजित प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता की उद्घाटन की घोषणा करती हूं। 18 से 20 सितंबर 2022 तक प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश के 18 मंडलों से 432 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली विभिन्न मंडलों से आए हुए खिलाड़ियों, टीम मैनेजर,
एवं आयोजक को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी यहाँ पे खिलाड़ी महिलाएं खड़ी हैं, मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी बधाइयों के साथ इस गोरखपुर क्षेत्र में गुरु गोरक्षनाथ की ये पावन धरती पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ पूज्य महाराज जी का कि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी ये सोच कि हमें इस प्रदेश के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा के साथ उनके उनके अंदर की प्रतिभाओं को उभार के एक विशेष ऊंचाइयों पर पहुंचाने की उनकी सोच है, राष्ट्र में उनका नाम हो, इस सोच के तहत यहाँ पे आप लोगों की, और तब से उन्होंने खेल की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उन्होंने अलग से बजट देके जो ये कार्य योजना बनाई है, मैं उनको प्रणाम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनके स्वस्थ जीवन की कामना के साथ मैं उन्हें बार बार उनका अभिनंदन करती हूँ। विभिन्न 432 खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी 18 मंडलों से यहाँ पहुँचे हैं, उनसे परिचय प्राप्त करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर सत्या पांडे, पीछे रहिए। मैं धर्मवीर जी से कहूंगा जनपद में पुत्रों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने विधि विधान से जीवतिया का व्रत रखा। आपको बता दें कि यह व्रत संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, जिसमें महिलाओं ने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा।
जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएँ पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद ही महिलाएँ अन्न ग्रहण करती हैं। इसके साथ ही महिलाएँ बरियार के पौधों की पूजा करती हैं। कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप अक्षत पुष्प फल अर्पित करके फिर पूजा की जाती है तथा मिट्टी व गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती महिलाओं ने कहा, पूरा खाना खत्म हो गया। संगीता सिंह जितिया का आप पूजन कर रही हैं, किस लिए व्रत कीजिएगा, क्या मन है? व्रत बेटा का व्रत है और जितिया का व्रत इसीलिए हम लोग रहते हैं कि अपने पुत्र को लंबी उम्र मिले। किसकी पूजा कर रही थी अभी आप लोग? हरियार बरियार की। कितने सालों से व्रत करती आ रही हैं? हम तो कर रहे हैं 20 साल हो गया है मेरा व्रत किए हुए। संगीता सिंह का पूजन करें, कितने साल से व्रत करते हैं, क्या मान्यता है? जब से बच्चे हुए तब से हम लोग व्रत हैं। कल के खाए पिए हैं हम लोग, आज दिन भर व्रत रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कल सुबह हम लोग जाके पारण करेंगे। बच्चों को नमक उमर के लिए पूजा किया जाता है। क्या मान्यता है इसकी, क्यों किया जाता है, किसकी पूजा की जाती है? अब बच्चों के लिए पूजा करते हैं हम लोग, सदियों से मान्यता आई है बच्चों के लिए, जिसकी बच्चे रहते वही पूजा करते हैं। सविता प्रकट कुशवाहा, सदियों से ये मान्यता आ रही है। हमारे पूर्वजों की जो है कहना है कि मतलब ये जितिया व्रत लंबी उम्र के लिए बच्चों के लिए किया जाता है, अपने ताकि वो हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें। इसी परंपरा को हम लोग भी निभाते हैं और आगे भी आने वाली पीढ़ी निभाएंगे। पूजा किसकी की जाती है कि बस निरा जल भी रहा जाता बताया जा रहा है? हाँ, हम लोग एक दिन पहले नहान खान होता है, उस दिन हम लोग नहान खान करके अपना जो विधि पूर्वक पूजा करते, दूसरे दिन निरा जल रहते हैं, फिर इस समय आए हैं मन यहाँ अरियार बरियार की पूजा करने हम लोग। रीना पटेल, बस बच्चे की लंबी आयु के लिए और उसके संकट दूर करने के लिए रखा जाता है। कितने सालों से व्रत करती आ रही हैं? यही 5-6 साल से, मेरा बेटा अभी 7 साल का है।
आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले गो तस्करी में वांछित एक अभियुक्त जुल्फीकार को चिलवाताल थाने के पुलिस व एसओजी टीम ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल किया बरामद। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। पिकअप चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त इरशाद अहमद को 48 घंटे के भीतर रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिकअप व गत्ता किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 15 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है आयुष्मान पखवाड़ा। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, अंत्योदय कार्ड धारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची में चयनित लाभार्थियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। पिता के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त धनंजय चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ट्रॉली किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यों के द्वारा दुनिया में देश का नाम कर रहे हैं रोशन। पल्स पोलियो अभियान का सीडीओ संजय कुमार मीणा एवं एडी हेल्थ डॉक्टर आईबी विश्वकर्मा ने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का किया शुभारंभ। कहा, प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है कि अपने बच्चों को अवश्य पिलाए पोलियो की दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो अभियान एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। कहा, जितनी भी बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए प्रतिबद्ध है देश व प्रदेश की सरकार। महिला जिला अस्पताल में स्थापित कोल्ड चेन प्वाइंट का सीडीओ संजय कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। कहा, दवाओं और वैक्सीन को गुणवत्ता मेंटेन करने के लिए बनाया गया है कोल्ड चेन प्वाइंट। से 20 सितंबर तक होने वाले प्रदेशीय महिला बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का पूर्व महापौर सत्या पांडे ने किया शुभारंभ। कहा, नारी शक्ति बढ़े आगे, सफलता है आपके साथ। और जनपद में पुत्रों की लंबी उम्र के लिए माताओं ने रखा विधि विधान से जीतिया का निर्जल व्रत। बरियार का पूजा करके माताओं ने अपने पुत्रों के लंबी उम्र की कामना। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।